विरोधी पार्टियां लगातार संसद के दोनों सदनों से पास कृषि विधेयकों का विरोध कर रही हैं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के आह्वान पर पूरे प्रदेश में सभी जिला मुख्यालयों पर इसका विरोध किया जा रहा है। बरेली में भी समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल शुक्रवार को कलेक्ट्रेट पहुंचा और जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। सपा नेताओं ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकारों की नीतियों से किसान और श्रमिकों के हितों को गहरा आघात लगा है, जिससे कॉरपोरेट घरानों को ही फायदा होगा, जबकि किसानों और श्रमिकों की बदहाली और बढ़ेगी। अगर समय रहते कृषि और श्रमिक कानून को वापस नहीं लिया गया तो प्रदेश में खेती बर्बाद हो जाएगी, साथ ही श्रमिक बंधुआ मजदूर बनकर रह जाएंगे। ये केंद्र सरकार ने जिस तरह से किसानों का अहित कर रही है, मंडी समिति खत्म कर दी और जो ऑर्डिनेंस बिल पास करें भी पार्लियामेंट के अंदर, वो किसानों का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसको ख़त्म कर दिया। अब व्यापारी जो है किसानों का औने पौने दामों में खरीदेगा और किसान बेचने को मजबूर होंगे। इसलिए हम लोग आज ज्ञापन देने आए हैं डीएम साहब को, और हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि इन बिल को वापस लिया जाए और श्रमिकों के जो मजदूर हैं उनके खिलाफ भी इन्होंने जो इंडस्ट्री 100 लोग जिसमें होते थे मजदूर, और उनको भी बगैर गवर्नमेंट की परमिशन के निकाल नहीं सकते थे, इस गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस बिल पास कर दिया कि जिस इंडस्ट्री में 300 लोग 300 मजदूर भी काम करते हैं उनको भी बिना परमिशन के निकाल सकती है। तो ये केंद्र सरकार का जो किसानों के विरोध में और श्रमिकों के विरोध में जो ऑर्डिनेंस पास किए हैं, इन्होंने बिल पास किए हैं, हमारी मांग है इसे तुरंत वापस लिए जाएं। इसीलिए हम लोग समाजवादी पार्टी के सभी नेतागण आज यहां पर उपस्थित हुए हैं और हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, और पूरी तरह से किसानों के हित में समाजवादी पार्टी है, मजदूरों के हित में समाजवादी पार्टी है, नौजवानों के हित में समाजवादी पार्टी है। एक एक करके ये देश को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। समाजवादी पार्टी डटकर विरोध करेगी और हर हालत में, और जनता भी इतनी तैयार हो गई है कि आने वाले चुनावों में 22 में इस भारतीय जनता पार्टी को इनको औकात बताने का काम यहाँ की जनता करेगी। किसानों के जो विरोध में जो बिल आया, साथ ही हमारे जो श्रमिक साथी हैं उन लोगों के विरोध में जो बिल आया, उससे ये पूर्णता दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से किसान विरोधी और श्रमिक विरोधी हैं, साथ ही साथ नौजवान विरोधी हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज हम लोगों ने अपने ज्ञापन के माध्यम से हमने राज्यपाल महोदय को ये ज्ञापन दिया है कि जो श्रमिकों के विरोध में, जिसमें पहले हम सब जानते हैं कि एक छोटी सी जो कंपनी होती थी, हाँ जो इंडस्ट्री होती थी, उसमें अगर 100 कर्मचारी के नीचे हैं रहते थे तो उसमें ये होता था कि कोई कभी भी निकाल सकता है, लेकिन अब 300 कर्मचारियों तक इन्होंने वो दायरा बना के पूरी की पूरी तरीके से जो श्रमिक हैं उनको बंधुआ मजदूर बनाने का काम करा जा रहा है। पहले हड़ताल का टाइम 2 महीने पहले होता था, 60 दिन पहले होता था, लेकिन अब वो 6 हफ्ते का करके इन्होंने और उसको गिराते जा रहे हैं। तो हमारा राज्यपाल महोदय से ये विनम्र निवेदन है, एक हम लोग ये ज्ञापन दिया है कि जो ये बिल लाए गए हैं किसान के विरोध, किसान विरोधी और जो श्रमिक विरोधी जो बिल हैं, इनको वापस लिया जाए।